अनु तोहनु पता है कि तू इतना क्यों करेंगी। वेगवीर हर चीज ना एक लिमिट च हुंदी है, ते तैनू लगदा है कि कोई भी इंसान इन्नी हिम्मत लेके आऊगा अपने अंदर कि जान बुझ के एवें आग च चलूगा, तो इन्ना ना सोच, इदा ना मैं कुछ नहीं करन लगी तेरे लिए। अच्छा चल छड्ड इन्ना गल्लां नू, तू ना डॉक्टर नू वेख के आ, हुण तक आए क्यों नहीं? तू की करन गई उत्थे पट्टी वाले मैदान च? ओही नहीं राती यार, सिमी ने मैनू कहा ही कि आपां सैर करन जाना है, कहती मैं वजन घटाना है, तो मैनू भी अपनी नाल ही ले आई। यार गल्लां करदे करदे मैनू पता ही नहीं लग्या ते नीचे आग लग गई। मही तू ठीक है ना? आ लो जी ये ने कुछ पेन किलर, इन्हों दिन च 3 बार खाना है। रोटी खाने तो बाद ये एक मलम भी है, उन्होंने 2-3 घंटे लाते रहना, तो मैं 3 दिन बाद दोबारा आके दिखाओ, मैं देखांगा जख्म किदां दा है। धन्यवाद डॉक्टर। ओके जी। जे मैं वीर नाल गई तो इन्हें सवाल पूछ जाने ने मेरे तो। वीर मैं ना सिमी नाल ही चल जाऊंगी, वो मैनू घरे छड्ड ही दोगी। माही तेरे पैर च कोई ना, कोई गल नहीं वीर, मैं ले जाऊंगी। अला सिमी चल माही। चंगा होया सिमी अपन किसी ने वेख्या नहीं अंदर आंदे हुए। देखिया नहीं तो तेनू की लगता है जो तू किता किसी नू पता नहीं चलना? सिमी वीर दा सुपना है फौज च भर्ती होण दा, ते मैं उन्हें प्यार कर दिया ते फिर उदा सुपना मेरा सुपना होया ना। माही की गल पुत्तर, इन्नी रात नू किथे गई ही? रोटी भी नहीं खादी तू? ओ मम्मी मेरी गलती नहीं है, सारी सिमी दी गलती है। वेट इन्हें लूज करना है ते नाल मैनू लेके जांदी है सैर करन लई। ले दस आ केड़ा टाइम है सैर करन दा? नहीं जे वजन घटाना है तो सवेरे सवेरे सैर करनी चाहिए है ना। सॉरी आंटी, कदे कदे तो मोटिवेशन आती है मैनू सैर करन दी, उस वेले आ गई इसलिए मैं चल गई। चल ठीक है कोई ना, माही पुत्र छेती कर, रोटी लगी पई है, आ जा आके खा ले, भुखे ढिड वजन घटाने का कोई मतलब नहीं बनता। की होया, की गल है? कुछ नहीं मम्मी, वो मसा जी मोच आ गई। मोच लैवे कि मैं दिखा मैनू की होया, मैं मालिश कर देनी। नहीं मम्मी वो सिमी, सिमी ने बाम लाती हुन ठीक हो चुका। इन्हां कुड़ियां दी भी ना मैनू समझ नहीं आती। चल ठीक है मैं रोटी इत्थे ले आनी हाँ। सॉरी मम्मी मैं थोनू झूठ बोलिया। एक सॉरी ना मेरे हिस्से भी पा दे, एवें नजायज़ ही डांट खवाती मैनू आंटी तो। दोस्ती च ना नो सॉरी नो थैंक यू, नाले तू तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना। अच्छा चल हुण रोटी खा के ना सौं जी। सिमी कल सवेरे याद है ना मम्मी ने की कहा है? सवेरे शहर ते जाना है तो आ जी। हाँ हाँ ठीक है आ जाऊंगी, चली किसे थां दी, चल बाय। हाय हे वीर पुत, तो बिना दसे किथे चला गया ही? हाँ वीर किथे सी तुसी, थोनू इन्ने फोन किते मैं। तेरे मोड़े च पीड़ हीगी, फिर भी तू मैनू चक के इत्थे तक लेके आया, आ सब करना सौखा नहीं है, कोई भी आ करन बारे सोच भी नहीं सकता वीर। जेड़ा काम तू 40 तो 50 मिंट च नहीं कर पा रहा है ना, वो तू अज अद्धे घंटे च करता वीर। डॉक्टर माही नू ना सट लग गई ही, इसलिए उन्हें डॉक्टर को लेके गया ही। आ
तेरा रनिंग टाइम है वीर। पट्टी वाले मैदान तो डॉक्टर दे क्लीनिक दा फासला 8 किलोमीटर दा है, ते तू भज के मैनू इत्थे तक लेके आया। तू जो कर नहीं पा रहा सी ना, तू अज कर विखाया। पर वीर तो वीर, तू अपने सुपने दे बहुत नेड़े आ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी भी चीज़ नू तेरे या तेरे सुपने दे विच नहीं आण दवांगी। कोई कमज़ोर पल भी नहीं, तू पूरी आ जिंदगी लंघाती आ सुपना पूरा करन लई। ते मैं तेरा सुपना सच करके ही रवांगी वीर। माही ले पुत्तर, रोटी खा ले। तेरा फिजिकल टेस्ट बहुत औखा होने वाला है देशवीर। मैंने पता है तू मेडिकल ते रिटन टेस्ट क्लियर कर लेगा, पर इस बार दा फिजिकल टेस्ट बहुत औखा होने वाला है। बड़े बड़े उम्मीदवार फेल हो गए इस विच। 50 किलो वजन चक के 8 किलोमीटर के डिस्टेंस में 1 घंटे में तय करना सी। 20 पुलअप्स करने पैने ने तेनू इस टेस्ट को क्वालीफाई करने वास्ते। हर एक कैंडीडेट की निक्की निक्की हरकतें पूरी नज़र रखते ने। आ तेरा रनिंग टाइम है वीर। पट्टी वाले मैदान तो डॉक्टर दे क्लीनिक दा फासला 8 किलोमीटर दा है, ते तू भज के मैनू इत्थे तक लेके आया, वो भी पूरे 1/2 घंटे च। जिहड़ा काम तू 40 तो 50 मिनट च नहीं कर पा रहा है ना, वो तू अज 1/2 घंटे च करता वीर। शायद माही ठीक कह रही, मैं अपनी पूरी ताकत नहीं ला पा रहा। पर की सच्ची माही अग ते चल पाई ताकि मैं अपनी ताकत का अंदाजा हो पावे? तेनू अंदाजा भी नहीं है वीर, तेरी फौजी बनने की खुशी के अगे आ दर्द तो कुछ भी नहीं है। यहोजे किन्ने दर्द सह लवा मैं अपने वीर नू फौजी देशवीर सिंह रंधावा बनते देखते। फौजी मैं बनना चाहता, पर मेरे भजन का टाइम वो नपन रही है, वो नोट कर रही है कि यह सच है। वीर तुसे डिनर नहीं किया सी ना, लो मैं ले आई हाँ। धन्यवाद डॉक्टर। की होया वीर, सब ठीक तो है ना? वो तुसी कह रहे सी कि माही दे सट लगी आ, की होया है वीर? तुसी अपने दिल दियां गल्लां मेरे नाल कर सकते हो सांझियां? हाँ जी डॉक्टर, सब ठीक है। वीर थानू परेशान देखना मैनू बिल्कुल चंगा नहीं लगता। डॉक्टर यह जो कुछ नहीं है, सब ठीक है। कोई ना वीर, तुसी जदों भी गल करनी चाहो अदो कर सकते हो मेरे नाल, फिकर ना करो। और तुसी अपना फौज का सपना जरूर पूरा करोगे, बस अपना बेस्ट दिन दे रहो। हाँ जी डॉक्टर। हुन तक मैं अपना बेस्ट नहीं दे पा रहा ही, पर हुन मैं अपनी पूरी जान ला देंगा। पूरी जान ला दे वीर, तेरे च कोई कमी नहीं है, तू बहुत काबिल है, तू कुछ भी कर सकता है वीर।
डॉक्टर हजे सिर्फ शुरुआत हुई है, हजे होर सुधार लाना ना बाकी है। बिल्कुल, चलो लगिए काम ते। हाँ जी चलो। मेरा वीर अपनी मंजिल दे बहुत नेड़े आ गया है, हुण उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। बाबू जी आए मेरे नवे फूड वैन की मशहूरी जिदा ना है भैणा दी रसोई, माही जी ने मैंने सुझाव दिता ही। वाह विक्की है ते बहुत वधिया ख्याल है। माही पुत्र ऐ क्यों आया? उन्हें कल तो मोच आई हुई है दे पैर चे। मोच आ गई सी ते करे आराम कर लेना सी पुत्तर, सवेरे सवेरे किथे चले गई सी तू? ओ अंकल जी सवेरे सवेरे ना दूध ते जलेबी खान दा जी करन दिया ही, इसलिए बस उत्थे ही गए सीगे। वाह मूँह मिठा ते हुण कारी आयो चंगी खबर सुने बगैर, चलो ते चंगी खबर भी सुन लो। पैना दी रसोई फूड वैन हुण आडे पिंड च। हुण पिंड दे वख वख थां ते खाओ पंजाब दे खाने दा स्वाद। वाह हाय वीर जी विखाए जरा। आला नमो माही दीदी, मैं ना बहुत नसीबां ना कि थोड़े वर्गी शेरनी भैन मिली है मैनू। जे माही दीदी तुही ना आंदे ना तो मैं आ नहीं कर पाता। निमो आ सिर्फ मशहूरी नहीं है, यह नोटिस है तेरे विआह का। वेखी विक्की पैसे कमा के ना तेन विआह के लै जूगा इतों। इन्नी आसानी नाल नहीं कमाए जाते हैं पैसे। आ दुकान खोलना एक गल है तो उन्होंने चलाना दूजी गल आ। एक हफ्ते च उस लफंडर मुंडे विक्की नूं पता चल जूगा कि पैसे कमाना ना कोई बच्चियां दी खेड़ नहीं हैगा। पर जे उन्हें चला के विखाती फूड वैन फिर तो तुही मन जूंगे ना, तुही चंगी तरह जानते हो विक्की जो कुछ भी करन दिया है ना सिर्फ तो सिर्फ मेरे लिए करन दिया है। चल चल तू ओदी बहुती हमायत ना कर, जदों पैसे कमाऊगा ना उदों वेखांगे वड्डी आई ओदी हमायत करन वाली। वह मासी जी एक गल कहां, तुही चुनौती दे ता दित्ती विक्की नूं किते लैने दे देने ना पै जान। हानू ना सब तो पहला माता रानी दा आशीर्वाद ले लेना चाहिदा है। बहुत छेती तरक्की करना पिया विक्की, खास करके जिथे सरपंच दा मुंडा लक्की रहिंदा होवे उत्थे तां इह कदे नहीं हो सकता।
हे वाहेगुरु जी, विक्की नू सारी मुसीबतों तो दूर रखियो। तू ही ओदी जिंदगी च माही नादा रबता बनता तो भेजा ही होया है। हुन अपनी कृपा भी बना के रखियो। हे माता रानी, थोड़े साथ तो बगैर आ सब कुछ मुमकिन नहीं गा। हे माता रानी, जे थोड़ी मेहर बनी रही ना तो हाडा बिजनेस कामयाब भी बड़ी छेती हो जाएगा। तू फिक्र ना कर पहने, ऐतकी विक्की नू कोई नहीं रोक सकता। देखी तू, वो मामी जी की दित्ती चुनौती पूरी करके पूरे टौर नाल तेनू व्याह के लैके जाऊगा। इन्नी मेहनत करन डिया विक्की, तेनू पता है हुण तां मैनू भी उसते भरोसा होने लग पिया। थोड़ा लख लख शुक्र है माता रानी, थोड़ा मेरे भरा ते हाथ हीगा, तद जाके ओदियां मुसीबतां कटियां ने। हुण माही दीदी, तुसी मेरे लिए माता राणी तो घट नहीं हो। विक्की, आ की बोली जान डिया तू? दीदी, जो कुछ भी तुसी कीता मेरे लिए बहुत वड्डी गल है। इहदे लई मैं तुहानूं दिलों थैंक यू बोलना चाहना, क्योंकि ये मेरा फर्ज बनदा। विक्की, तू मेरा छोटा भरा है ते मेरे भी कुछ फर्ज बनते ने तेरे प्रति, बस मैं उही अदा कर रही हाँ। जिन्नी वार उठन की कोशिश करोगे मैं उन्नी वार तुहानूं थले डेकदा रहूंगा। दीदी, निम्मो ते मेरे प्यार नूं ना एक सिर्फ थोने समझे, इस करके आ बिजनेस शुरू कर पाया मैं। अच्छा बच्चू, बढ़िया तरीफा करन डे। जे तू किसी नूं थैंक यू करना है ना, तो अपनी होने वाली सस लाली आंटी नूं कर। जे उन्होंने तेनू इन्ना कलेश करन तो बाद पैसे कमाउण दी चुनौती ना दित्ती हुंदी ना, तेनू लगता है तू कदे कर पाउंदा आ सब? ते मैनू लगता है सानू ना लाली आंटी नूं परसनली इनविटेशन देना चाहिदा साडी फूड वैन दे आउण दा। मतलब जे निम्मो दे परिवार वाले आउणगे तां उन्हां नूं आपे पता लगूगा ना कि मेरे सोहणे जे छोटे जे भरा ने किन्नी मेहनत कीती आ निम्मो दे लई। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਿਉਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰੰਧਾਵਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਹ ਠੀਕ ਰਹੂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਫੂਡ ਵੈਨ ਤਾਂ ਕੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਦਾ ਟਾਇਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਲੱਕੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ,